जिशान है इस वक्त हमारे साथ पिंडी से मौजूद होंगे और इनका आईडी नंबर है 16। पहले हम जिशान का पैकेज देखते हैं, उसके बाद हम चल के जिशान की आवाज सुनेंगे। चलिए पैकेज दिखाइए। समा की आवाज के आज के मुकाबले में हमारे साथ शामिल हैं जीशान, जो ताल्लुक रखते हैं चकलाला से। जीशान पिछले 22 साल से नाथख्वानी करते आ रहे हैं और नाथख्वानी में अपना उस्ताद, अपने वालिद, भाई और सैयद मंजूर उल कौनैन साहब को मानते हैं। मुझे तकरीबन 22 साल हो चुके हैं नाथ पढ़ते हुए। घर में वालिद साहब भी पढ़ते हैं, इन्हीं से सीखा। फिर बड़े भाई पढ़ते थे, उनसे भी कुछ सीखा। फिर मैंने अपने एक उस्ताद जी को ढूंढना शुरू किया और मुझे मिले वाकेंट के रिहायशी हैं सैयद मंजूर उल कौनैन शाह साहब। जीशान के वालिद बेहद खुश हैं कि उनके बेटे का इंतखाब बनो समा की आवाज के इस मुकाबले में हुआ है। वो पुर उम्मीद हैं कि उनका बेटा ही बनेगा समा की आवाज। सिलेक्शन पे बड़ी खुशी हुई है जी। मुकाबला ही होता है। हमारा भी दिल चाहता है कि हमारा बेटा जीते मुकाबले में, और हर किस्म की दुआएं इसके साथ है। जीशान की वालदा कहती हैं कि उन्हें उनके बेटे की आवाज बेहद पसंद है और वो दुआ गो हैं कि उनका बेटा बने समा की आवाज। बहुत ही प्यारी आवाज है मेरे बेटे की, अल्लाह जी कामयाब करे। क्या आज लाइव जीशान अपनी आवाज से हमारे सीनियर जजेस और सामाइन को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं, आइए सुनते हैं जीशान की आवाज। जीशान की आईडी है 16। काश वो चेहरा मेरी बहुत
माशाल्लाह क्या बात है। सईद मंजूर कौन है शाह साहब के शागिर्दों में, तो माशाल्लाह जब कहा गया कि ये मंजूर कौन है शाह साहब के शागिर्द, तो मैं समझ गया था कि माशाल्लाह ये भरपूर सुरगुर में होंगे और हाँ बहुत धुला हुआ कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह। सैयद साहब भी उनके जितने शागिर्द हैं इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा और आखिर वक्त तक सुरों पे बरकरार रहे, हालांकि सुनने वालों को जरा सा शक गुजरने लगा था कि कहीं बेसुरे ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे जिंदाबाद। हाँ ऐसा लग रहा था जैसे सलमान कोनेन पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाल्लाह। तेजी से हम चलेंगे जनाब ज़ीशान को वोट करने के लिए। आपने अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन पे जाके लिखना BSK स्पेस दीजिएगा, ज़ीशान का आईडी नंबर है 16, वो लिखेगा ज़ीशान का नाम लिखेगा और उसके बाद सेंड कर दीजिएगा 8126 पे। आपके वोट पर फैसला करना है कौन आगे आएगा कौन रह जाएगा। मुकाबला आज फिर टफ है लेकिन बहुत खूब पड़ा, वाह वाह आज पिंडी वाले छा गए, दिल खुश कर दिया है ना भाई। वाह जी बिलाल भाई, वाह वाह ये मुकाबला जो है ये इस कदर टफ हो जाएगा मुझे लगता है कि या तो यहाँ वाइल्ड कार्डों का बरमला इस्तेमाल होगा या यहाँ पे जो फैसले हैं वो मेरे ख्याल में एक दूसरे का दस्तों गिरेबान होने के बाद होंगे। यानी जनाब एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रहिए आप हमारी सहरी में हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ, भी बहुत कुछ है बहुत अभी उलमा हजरात ने आना है गुफ्तगू करनी है तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।